Students, today we will start a new chapter of EBS. So students, today's chapter is My Home. We all need a place to live in. This place is called a home. It protects us from heat, cold, rain and wind. It also protects us from thieves and animals. It make us feel safe. Students, हम सभी को रहने के लिए एक प्लेस की जरूरत होती है जिसे हम क्या कहते हैं होम. होम यानी घर. घर हमें गर्मी से, वारिस से, ठंड से, चोरों से और एनिमल से भी बचाता है. ठीक है, घर में रह के हम लोग सेफ महसूस करते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं. सो नेक्स्ट कम्स रूम्स इन अ हाउस. There are many rooms in a house. Some rooms are big, some rooms are small. We use different rooms for different purposes. Student, house में अलग अलग तरीके तरह का रूम रहता है. ठीक है, अलग अलग कमरे होते हैं, जो कि कोई बड़ा कमरा रहता है और कोई छोटा कमरा रहता है. हर कमरे का अलग अलग पर्पस होता है. We receive our guest in the living room. जहाँ हम लोग गेस्ट को रिसीव करते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिविंग रूम. We sleep and rest in the bedroom. जहाँ हम लोग रेस्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बेडरूम. We cook tasty food in the kitchen. जहाँ हम लोग फूड बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? किचन. We take bath in the bathroom. हम लोग जहाँ पे बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? बाथरूम. वी ईट फूड इन द डाइनिंग रूम. जहाँ हम लोग खाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डाइनिंग रूम. वी स्टडी इन द स्टडी रूम. जहाँ हम लोग पढ़ाई करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्टडी रूम.